अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू किंग्स फैमिली चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पॉकेट शॉर्मा। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, इवनिंग स्नैक के लिए बेस्ट है। 30 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है और इसके लिए हमें कोई बहुत खास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्पाइसेस और घर में चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, उनसे रेडी हो जाती है। चलें इसको बनाना सीखते हैं। टू हंड्रेड ग्राम हम इसके लिए चिकन लेंगे, इसको हम इस तरह क्यूब्स में कट कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। कोटिंग के लिए हम ब्रेड क्रम्स लेंगे, एग्स लेंगे और इसके लिए हमें ब्रेड की ज़रूरत होगी। अब एक पैन में हम 4-5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप जो हमने प्याज लिया था वो ऐड करेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट ट्रांसपेरेंट हमने इसको करना है। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उसमें 1 टीस्पून हम गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर जो चिकन लिया था वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस। ये जितने भी स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके तकरीबन 15 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह पक जाए। जब तक चिकन रेडी हो रहा है तब तक हम स्लाइसेस को फ्लैट करके उसको हम कट कर लेंगे सर्कल्स में। आप इसके लिए कोई भी कटर या आप कोई भी कैप या कवर यूज़ कर सकते हैं। जो हमने एग्स लिए थे उनको बीट कर लेंगे। अब हमने जो स्लाइसेस को सर्कल्स में कट किया था उसको पहले हम एग्स में डिप करेंगे, फिर उसके बाद हम जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए थे उसको कोट करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। इसी तरह हम सारी ब्रेड पॉकेट्स रेडी कर लेंगे। हमारा चिकन रेडी है। मैंने यहाँ पे एक सॉस रेडी कर ली थी, मायोनीज और केचप को मैंने मिक्स कर लिया था। अभी हम पॉकेट्स कट करेंगे, या अगर आप सेंटर से कट करना चाहें आप सेंटर से भी कट कर सकते हैं, या इसको एक साइड से भी कट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम नाइफ से कट कर लेंगे और इस तरह हम इसको ओपन करके एक पॉकेट रेडी कर लेंगे। इसमें अब हम केचप और मायोनीज की जो हमने सॉस रेडी की थी वो लगाएंगे। अगर आप कोई भी सैलड वगैरह यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आइसबर्ग लीव्स यूज़ कर रही हूँ। अब जो हमने चिकन रेडी किया था हम वो ऐड करेंगे। इसी तरह हम अपने जितने भी पॉकेट शॉर्मा है वो रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, किड्स के लंच बॉक्स के लिए, टी पार्टी के लिए, स्नैक टाइम के लिए बेस्ट है। बहुत हैवी फील नहीं होता इसको खाकर, बहुत लाइट सी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।